सियासत की जमीन में कई बड़े सूरमा हुए जिन्होंने अपना कद इतना बड़ा किया कि समूचा देश उन्हें जानने लगा। इन्हीं में से एक नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 1993 से शुरू हुई राजा भैया की सियासत जनता से शुरू होती है और जीत लेकर ही दम मानती है। राजा भैया का इतिहास बताता है कि उनका जीवन राजनीति, अपराध और भ्रष्टाचार का ऐसा उलझा गठजोड़ है कि इस पर आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति की हालत जियाउल हक की तरह कर दी जाती है। राजा भैया वर्तमान में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड रहने के बावजूद वो लगातार 5 बार कुंडा से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। अपराधों से नाता रखने वाले राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 में राजा उदय प्रताप सिंह के घर हुआ। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के दूसरे गवर्नर बने। राजा भैया अपने परिवार से पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति को अपनाया। कानून से स्नातक की पढ़ाई करने वाले राजा भैया का नाम तूफान सिंह भी है। राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह का भी बड़ा नाम था, लेकिन राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का मानना था कि अगर उनका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर से राजाओं वाली ठसक खत्म हो जाएगी। हालांकि राजा भैया की मां को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने पति को बिना बताए राजा भैया का दाखिला इलाहाबाद के एक स्कूल में करा दिया। साल 1996 में कल्याण सिंह राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुँचे और उन्होंने नारा दिया कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाओ दो हाथ। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि साल भर बाद ही वो कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बन गए। कहा तो ये भी जाता है कि राजा भैया के घर के पीछे मगरमच्छ से भरा एक बड़ा सा तालाब है और जो लोग राजा भैया को पसंद नहीं आते वो लोग उस तालाब की भेंट चढ़ जाते हैं। सियासत की बुलंदियों को छूने वाले राजा भैया के खिलाफ 2002 में बीजेपी विधायक पूरन बुंदेला ने अपहरण व धमकाने का केस दर्ज कराया। इसके बाद तत्कालीन सीएम मायावती ने उन पर पोटा एक्ट लगाकर जेल भेज दिया था। साल 2003 अब सूबे में सरकार मुलायम सिंह यादव की थी। इसी सरकार ने राजा भैया के ऊपर से पोटा संबंधी सभी आरोप हटा लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। साल 2004 में आखिरकार उन पर से पोटा हटा लिया गया और जेड प्लस सुरक्षा देकर सरकार में मंत्री बना दिया गया। राजा भैया 2007 के चुनावों में फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे और भारी जीत दर्ज की। मायावती की सरकार 2007 में बनी और राजा भैया निशाने पर थे। बीएसपी उम्मीदवार को जान से मारने के आरोप में उन्हें अक्टूबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। वे करीब 26 महीने जेल में रहे। 2012 तक मायावती सरकार थी, लेकिन 2013 आते ही मानो ग्रहण सा लग गया। साल 2013 में कुंडा के बल्लीपुर गांव में एक विवाद सुलझाने पहुंचे तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक को जान से मार दिया गया, जिसका आरोप एकमात्र बाहुबली राजा भैया पर आया। लिहाजा उन्हें अखिलेश की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी तो फिर मंत्री बने, लेकिन बीते साल ही दिसंबर महीने में डीएसपी हत्या मामले में सीबीआई ने फाइल फिर से खोल दी है ताकि राजा भैया उतना ही बोले जितना कि एक पार्टी विशेष चाहती है। वहीं इस केस के खुलने से राजा भैया के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे।